ओके, तो मेरे चश्मे में मत जाइए। ये चश्मा मैंने अपना चेहरा छुपाने के लिए लगा रखा है, और मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। ये बस मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप अभी मेरा चेहरा ना देख पाएँ। भले मैं अभी एक आम इंसान हूँ, लेकिन जल्दी जाके हो सकता है मैं फेमस बन जाऊँ, तो चेहरा छुपाने में थोड़ी मिस्ट्री आएगी। ओके, तो मैं बात करने वाला हूँ इस टेलीस्कोप के बारे में। ये एक 70mm का रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है। इस वीडियो में मैं आपको इस टेलीस्कोप के बारे में आपके सारे कंक्लूजन दूर करने वाला हूँ। अगर आप ये टेलीस्कोप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, या बाय कर चुके हैं, या पछता रहे हैं, कुछ भी, लेकिन हाँ, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, अगर आपने बाय करके पछता रहे हैं तो बिल्कुल ना पछताइए। ये एक बेहतरीन टेलीस्कोप है। यदि आपने बचपन में टेलीस्कोप के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, या बिल्कुल ना पढ़ा होगा मेरे तरह, लेकिन मैंने चाहे जो भी पढ़ा हो, लेकिन उधर उधर की बात ना करके इस टेलीस्कोप की बात करते हैं। तो टेलीस्कोप की बात आती है तो टेलीस्कोप की पहले बात ही नहीं आती, सबसे पहले बात आती है प्राइस की। तो प्राइस इस टेलीस्कोप की क्या होगी, आपके दिमाग में होगी। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं एक सस्ता टेलीस्कोप, तो आपको कहीं बेकार से टेलीस्कोप मिलते हैं, जिनकी और मेरी राय है उन टेलीस्कोप को हाथ भी ना लगाइए, क्योंकि वो 4000 के 7000 के जो टेलीस्कोप आते हैं, उन्हें आप लेना भी मत, गलती से भी मत लेना। क्योंकि मुझे पता है, अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपको पहले तो टेलीस्कोप काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आप बड़े बड़े टेलीस्कोप देख के थोड़ा जलने लगेंगे, और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। और मुझे पता है, अगर आपके पास ऐसे टेलीस्कोप होंगे बिल्कुल ऐसे ही, तो आप बिल्कुल पछता रहे होंगे। हाँ, अगर आप एक छोटे बच्चे हैं तो नहीं पछता रहे होंगे, पछता भी सकते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है पछता रहे होंगे। मेरे हिसाब से वो टेलीस्कोप छोटे बच्चों के लिए काफ़ी होगा, जिनकी उम्र 4 साल है या 5 साल है, लेकिन जल्दी 1 साल बाद वो एक बच्चा टेलीस्कोप मांगेगा कुछ ऐसा, और फिर आपका प्राइस डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस टेलीस्कोप के माउंट के बारे में, यानी इसे माउंट तो नहीं कह सकते, इसे तो मैं ट्राइपॉड ही कह दूँ क्योंकि ये माउंट कहलाने लायक नहीं है, लेकिन है तो ये माउंट ही, लेकिन मैं इसे ट्राइपॉड कहता हूँ। जो भी हो, इसका माउंट है एजिमथ माउंट। एजिमथ आपको अगर टेलीस्कोप की बेसिक आते हैं तो कई टेलीस्कोप के माउंट होते हैं, कई तरह के, जैसे कि एक दूसरे तरह का माउंट है, इसका नाम आपको पता होगा इक्विटोरियल माउंट टेलीस्कोप, और ये एक एजिमथ माउंट है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एक्सिस कंट्रोल हो सकती हैं, वो है लैटिट्यूड और एजिमथ। तो इस माउंट को मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इस टेलीस्कोप के बारे में। ये माउंट काफ़ी अच्छा है, ये एल्युमिनियम का माउंट है, काफ़ी सख्त है, माउंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर माउंट है, मतलब ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अगर आपने इसे लात मार दी तो ये तुरंत सरक जाएगा, और हवा से हिलने लगता है ये टेलीस्कोप। यकीन मानिए, मैंने इसे इस्तेमाल करा है, और अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा एक्सटेंड कर रखा है अपनी इस हाइट तक, क्योंकि यही हाइट मेरे लिए है। शायद मेरी हाइट ज़्यादा है, शायद आपके लिए यहाँ तक हो या यहाँ तक, जो भी हो। तो मैंने माउंट बता दिया, माउंट की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये लात मारने पे हिल जाता है और हवा से हिलने लगता है। माउंट के बाद वो बात करने लायक होती है, वो है ट्यूब की। ये ट्यूब काफ़ी अच्छी है, मुझे तो इसका सफ़ेद कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप भी सफ़ेद ही लेना, ये आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक 70mm का टेलीस्कोप है, और इसकी फोकल लेंथ है 70mm। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये फोकल लेंथ, अपर्चर, ये सब मैं जान के क्या करूँगा? तो ये आपको जानना चाहिए अगर आप एक टेलीस्कोप ले रहे हैं, क्योंकि टेलीस्कोप की दुनिया में एक बड़ा अपर्चर सबसे बड़ा मायने रखता है। तो मिरर इस टेलीस्कोप की सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने इस मिरर को खोल रखा है पूरी तरीके से, और देख कर फिक्स कर रखा है, और ये मिरर मुझे काफ़ी साफ लगा। मैंने ज़िंदगी में इतना साफ मिरर आज तक नहीं देखा था। तो अंदर एक बहुत बड़ा प्राइमरी मिरर लगा है, जिसका साइज़ मैंने आपको बता दिया है। तो सारी लाइट इसके अंदर से आती हैं, और फिर एक छोटे से सेकेंडरी मिरर से टकरा कर आपके यहाँ पर आईपीस में आती है। और अगर मैं आपको ट्यूब के बारे में बताऊँ, तो इसमें ये फोकल एडजस्टमेंट नॉब दे रखा है। ये फोकल एडजस्टमेंट नॉब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये काफ़ी बेसिक सा नॉब है। तो मेरी एक टिप रहेगी, अगर आप इस टेलीस्कोप को ख़रीदते हैं और अगर आप इसे यूज़ करते हैं, तो अगर आप किसी दूर एक स्टार को देख रहे हैं या एक प्लैनेट को देख रहे हैं, तो आपको इस नॉब को ढीला करना होगा, वरना टेलीस्कोप छूते वक्त आपका टेलीस्कोप इतना ज़ोर ज़ोर से हिलेगा कि आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे और भटक जाएंगे। और यकीन मानिए, एक एजिमथ माउंट में भटकना काफ़ी बुरा होता है, और आपका दिमाग ख़राब कर देगा। तो अब मैं बता देता हूँ इस ट्यूब के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये ट्यूब अपने एजिमथ में काफ़ी अच्छे तरीके से घूमती है, और यहाँ से इस नॉब से आपको लॉक करना पड़ता है, जो यहाँ पर है,
और अगर मैं बात करूँ तो फाइंडर स्कोप की फिटिंग ये मुझे कुछ खास नहीं लगी है। फाइंडर स्कोप की फिटिंग वैसे तो ये ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा और सख्त होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इसे ज़रा सा भी छू देंगे तो ये मिस अलाइन हो जाएगा। इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे अलाइन करने में ट्यूब के साथ, जो कि बहुत मेहनत का बड़ा काम है। और अगर आप मैं इसके आगे दिखाऊँ खोल के, तो आप देख सकते हैं ये इसका डस्ट कवर्ड है। और तो डस्ट कवर्ड में अगर आप एक इसका कैप खोलेंगे तो आपको एक और होल दिखेगा। और बात कर रहे हैं, ये होल हमारे सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए कॉपी होता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा एक सोलर फिल्टर आता है जो इसके आगे लगाना होगा। हम इसके पूरे यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप पूरा यहीं पर ही लगाएं। वैसे देखा जाता है ये फीचर इतना कमाल का भी नहीं है। इस टेलीस्कोप की एक और फीचर के बारे में, और वो है कैलिमेशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 कैलिमेट स्क्रू मिल रहे हैं, जिन्हें घुमाते ही आपका प्राइमरी मिरर हिलने लग जाएगा। यदि आप कैलिब्रेशन के बारे में कुछ नहीं जानते कि इसे कैसे करा जाता है और इसे क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही। इस कैलिब्रेशन को आपको करने के लिए आपको टूल की जरूरत पड़ने वाली है, और वो है लेज़र कैलिब्रेशन टूल। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसे लेज़र से कैलिब्रेट करना पड़ता है। इस टूल को मैं जल्द ही बनाऊंगा घर पर, आप इस पे पैसे वेस्ट ना करिए खर्च, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है भारत में। और अगर आपने इस कैलिब्रेशन को कर लिया, फिर आपको स्टार कैलिब्रेशन करना होता है, और ये भी एक अलग विषय है, और वीडियो तो आएगी ही। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको जल्दबाजी बताऊँ तो ये ऐसा है कि दोनों मिरर को एकदम सीधे में होना चाहिए, जरा भी उधर इधर नहीं होना चाहिए मिरर्स को। इसी प्रकार इसमें दो मिरर है, जैसे सेकेंडरी मिरर, ये सेकेंडरी मिरर है, और इसमें भी वही नॉब दिए गए हैं। इसमें तो छोटे छोटे 3 स्क्रू दिए गए हैं, जिससे घुमाकर आप अपने सेकेंडरी मिरर को मूव कर सकते हैं। लेकिन ये टेलीस्कोप फैक्ट्री से कैलिब्रेट होकर आया है, तो हम इसे नहीं छुएंगे, लेकिन आप इसे दिखाने के लिए मैं इसे अनकैलिब्रेट कर दूंगा जल्दी ही। तो अब मैं बात करता हूँ लैटिट्यूड की। तो इसमें एक लैटिट्यूड के लिए दिया गया है, और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह 90 पर हो सकता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा इस टेलीस्कोप का। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यदि आप इस टेलीस्कोप को अगर लैटिट्यूड एडजस्ट करते हैं, और अगर आपने उसके बाद लॉक करा, उसके बाद आपको टेलीस्कोप पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे टेलीस्कोप तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रॉड में कितने सारे निशान पड़ गए हैं। ये निशान इसी वजह से पड़े हैं, मतलब ये ट्यूब काफ़ी कच्ची है आराम से देखा जाए तो। अगर आप इस टेलीस्कोप को ले रहे हैं तो आपको दो चीज़ को नोटिस करना होगा, टेलीस्कोप की फोकल लेंथ और टेलीस्कोप का अपर्चर। बाकी सब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन और भी कई चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो इन सब की कैलकुलेटर आता है वेबसाइट पे, जिन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने टेलीस्कोप के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है और उसका रेजोल्यूशन कितना है। उसमें आईपीस के कैलकुलेशन कर सकते हैं साथ में, तो उसका भी मैं ट्यूटोरियल जल्द ही बनाऊंगा। तो टेलीस्कोप के अभी तक हमने 2 बेसिक जाने, माउंट और ट्यूब। टेलीस्कोप में एक और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो आपको सबसे रास्ता दिखाने में मदद करेगी कि आप कहाँ देख रहे हैं, और वो है फाइंडर स्कोप। ये फाइंडर स्कोप काफ़ी ज़रूरी है टेलीस्कोप के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा फाइंडर स्कोप है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये मुझे खिलौना लगता है सच में, लेकिन ये खिलौना तो खरीदा मैंने ही है ना। लेकिन बच्चे के खिलौने को एक बड़े खिलौने में कैसे बदला जाए, ये मुझे अच्छे तरीके से आता है, और मैं आपको भी बताऊंगा। यकीन मानिए, अगर आप इस टेलीस्कोप को किसी प्रो को दिखाएंगे तो वो इस पर हंसेगा, भले उसने बचपन में इसे इस्तेमाल करा हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इंडियंस हैं और कम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इंडियन बहुत जुगाड़ू होते हैं और सस्ती चीज़ों से पैसा निकलवाना जानते हैं। तो फाइंडर स्कोप में एक छोटी सी ट्यूब मिलती है, ये 10x तक जूम कर सकती है, लिखा तो यही है। ये इसका माउंट है, छोटा सा माउंट जिसे आप इसमें लगा सकते हैं, और ये एडजस्टमेंट नॉब है। तो इसका काम क्या है, इसका काम बस इतना ही है। तो इस छोटी सी चीज़ का काम क्या है, यकीन मानिए इस छोटी सी चीज़ का काम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है सच में। तो पहली बात, अगर आप इस ट्यूब में झांकेंगे तो आपको इसमें क्रॉस नज़र आएगा। तो ये छोटे से स्कोप को आपको अलाइन करना पड़ता है अपने टेलीस्कोप की ट्यूब से। तो इस टेलीस्कोप को अपने फाइंडर स्कोप से कैसे अलाइन कर जाता है, इसकी वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। हो सकता है आपको आता भी हो तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगा वीडियो। लेकिन इतना बता दो कि ये हेल्प करता है आपको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सबसे पहले आप इससे देखेंगे, और अगर वो सेंटर में आ गया इसके, फिर आप इससे देखेंगे। और अगर आप इस टेलीस्कोप का बॉक्स खोलते हैं तो आपको एक और मज़ेदार चीज़ मिलती है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आईपीस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टेलीस्कोप के लिए, इसके बिना आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे टेलीस्कोप को। तो इस टेलीस्कोप में आपको कुछ इस प्रकार के आईपीस मिलने वाले हैं। ये इस प्रकार के नहीं, ये तो बस एक डब्बे हैं।
तो ये एक 20 mm का आईपीस है। अगर आप टेलीस्कोप के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टेलीस्कोप में mm वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये आईपीस में तो कंफ्यूज करने वाला है mm। तो आईपीस की दुनिया में mm काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इससे आप अपने सब इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेशन कर पाएंगे, यानी प्राइमरी मिरर मिलाकर और सेकेंडरी मिरर और ट्यूब की फोकल लेंथ, और उससे सारी कैलकुलेशन होगी और फाइनल रिजल्ट में आपकी सारी कैलकुलेशन मिल जाएंगी। तो ये टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इसकी बात नहीं करूँगा कि टेलीस्कोप की आईपीस पावर कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में बात करूँगा। यकीन मानिए डिब्बी मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि इस डिब्बी से आप लूडो काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। तो इन आईपीस में आपको कुछ अंतर ज़रूर नज़र आ रहा होगा, और ये अंतर पहले तो ये लेंस है ऊपर वाला, और अगला अंतर ये है इनकी हाइट अलग अलग है और इनका लेंस ऊपर का अलग अलग है, मतलब झांकने का छेद काफ़ी अलग साइज का है। तो अगर आप इस वाले आईपी से देखेंगे तो आपको फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा, और 20 mm के आईपी से देखेंगे तो इसे फील्ड ऑफ व्यू कम मिलेगा, और अगर आप 4 mm के आईपी से देखेंगे तो इससे व्यू और भी कम मिलेगा। लेकिन आईपीस की दुनिया में अगर आप mm को छोटा करते जाएंगे तो फिर आप अपने टेलीस्कोप की पावर बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 mm के आईपीस खाली ऐसे ही आती हो, ऐसे कई तरह के आईपीस आते हैं 4 mm में लेकिन उनका फील्ड ऑफ व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन वो आईपीस काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। और ये आईपीस एक बेसिक आईपीस है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आईपीस के साथ आपको एक फ़िल्टर मिल जाएगा, ये ग्रीन फिल्टर है, इसे मून फिल्टर भी कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, असल में चांद को देखने के लिए एक से ज़्यादा फ़िल्टर आते हैं और वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो फ़िल्टर के ऊपर वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, और यकीन मानिए इस फ़िल्टर से मैंने गलत ऑब्जेक्ट को देख लिया था और मेरी आँख जलते जलते रह गई, और आप समझ गए होंगे कि मैंने सन को देखा, जो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। लेकिन ऐसा करते हुए मैं बच गया और मेरी आँख भी सही सलामत है, और अभी आप मेरी आँख नहीं देख पा रहे, शायद अभी मैंने काला चश्मा पहन रखा है, तो आप समझ गए होंगे मैंने काला चश्मा क्यों पहन रखा है। तो आईपीस से हमें अपने टेलीस्कोप की लिमिट पता चल जाती है, लेकिन अगर आप अपने टेलीस्कोप को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है। टेलीस्कोप के साथ आपको एक और चीज़ मिलने वाली है, और वो है बार्लो लेंस। तो ये बार्लो लेंस क्या बला है? क्या ये आईपीस को पालता है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करता। हाँ, ये आईपीस को अपने अंदर ज़रूर ले लेता है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ो। तो आसान भाषा में मैं इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बार्लो लेंस की डिटेल वीडियो, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना बता दूँ, ये अपने टेलीस्कोप की पावर को दोगुना कर देगा। मतलब अगर आपने 4 mm के आईपीस के साथ अपने टेलीस्कोप को यूज़ करेंगे तो आप मान लीजिए एग्जांपल से आप देख पाएंगे 300x तक, लेकिन अगर आप 2x बार्लो यूज़ करने वाले हैं तो आपका नंबर दोगुना हो जाएगा, और वो है 600 तक। इसलिए इसमें 2x मल्टीप्लाई लिखा है, और ये है 1.5 इरेक्टिंग आईपीस। तो ये इरेक्टिंग आईपीस आपके इस काम आएगा, अगर आप इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल स्पेस में देख लेके नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी नेचर बिल्डिंग लोगों को ताक रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इसका काम आएगा। तो ये काम क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप टेलीस्कोप में स्पेस में देखते हैं तो आपको हर चीज़ उल्टी नज़र आएगी, तो ये आईपीस आपको उस इमेज को इरेक्ट कर देगा, यानी उसे उल्टा कर देगा, उल्टे से सीधा कर देगा। अगर आप स्पेस में देख रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इस इमेज उल्टी बन रही है, लेकिन अगर आप धरती में किसी कबूतर को देख रहे हैं तो आपको कबूतर वो चंगादड़ नज़र आने लगेगा, और आप गलत समझ सकते हैं कि कबूतर चंगादड़। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि असल में आप इस टेलीस्कोप से क्या देख पाएंगे अपने आईपीस और 2x बार्लो के साथ। तो अभी हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेलेरियम, और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी कमाल का है क्योंकि इसमें वैसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको ज़रूरी पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए सबसे बेहतरीन फ़ीचर इसमें है, यकीन मानिए इसमें इतने ज़्यादा फीचर हैं कि आपको चलाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बाद में आप सीख जाएंगे। और वो आपको कौन सिखाएगा? जाहिर बात है ये मैं ही सिखाऊंगा। मैं इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल लाऊंगा जो सीरीज़ में बनने वाली है कई सारी, जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जिसमें मैं अपनी टेलीस्कोप की डिटेल्स डाल सकता हूं, और उसमें अपर्चर डालना पड़ता है और फोकल लेंथ, डायमीटर, और वो टेलीस्कोप किस टाइप का है, हमें ये सब डालना पड़ता है। और उसके बाद समझ लीजिए आपके पास एक वर्चुअल टेलीस्कोप हो जाएगा। मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको एक टेलीस्कोप ख़रीदना हो और आपको पता नहीं कि जुपिटर इससे कैसा दिखने वाला है, तो यकीन मानिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं कि जुपिटर कैसा दिखेगा। तो हमने पहले से सारी डिटेल डाल रखी है टेलीस्कोप की, और आपको बस टेलीस्कोप को पॉइंट करना है। तो मैं जुपिटर की तरफ क्लिक कर दिया, और अब इस ऊपर वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा, ये वाला आइकन। तो अभी आप देख सकते हैं हम
हम इस वक्त जुपिटर को देख रहे हैं 2x बार्लो इस्तेमाल करके, और टेलीस्कोप वही है हमारा और 4mm आईपीस। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलकर जुपिटर को कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं इस टेलीस्कोप से। तो आप देख सकते हैं ये जुपिटर कैसा दिखेगा इस टेलीस्कोप से, ये एग्जैक्ट है बिल्कुल। और यकीन मानिए मैंने देखा इस जुपिटर को और सेम ऐसा ही दिखता है। अगर स्काई कंडीशन अच्छी हो तो आप और भी बेहतर देख सकते हैं, लेकिन ये इंडिया है जहाँ पे स्काई कंडीशन हमेशा बेकार रहती है। और ऐसे ही आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि मैं किस ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ देख सकता हूँ। तो अब मैं एंड्रोमेडा देखूँगा। तो ये है एंड्रोमेडा जो कुछ ऐसी दिखने वाली है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, असल में एंड्रोमेडा आपको ऐसी नहीं दिखेगी। हाँ, आपके पूरे इस व्यू में इतना आएगा जितना ये सब दिख रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये लॉन्ग एक्सपोजर से लिया गया है उन फोटो को, और ये एक बिल्कुल अलग विषय है एस्ट्रोफोटोग्राफी वाला। और यकीन मानिए अगर आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कीमत थोड़ी अच्छी खासी हो तो आप ऐसी इमेज ले सकते हैं अपने टेलीस्कोप से, लेकिन असल ज़िंदगी में आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा एंड्रोमेडा। असल ज़िंदगी में आपको वो कुछ ऐसा नज़र आ सकता है, एक धुंधला सा ऑब्जेक्ट। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इस टेलीस्कोप की, आपको बूस्ट करना है तो मैंने इसमें एक अलग से एक बार्लो लेंस बाय करा है, और वो बार्लो लेंस है 5x बार्लो लेंस। ये काफ़ी अच्छा बार्लो लेंस है, ये पूरा मेटल कोटेड है, और जी हाँ ये 3x नहीं सीधा 5x है। मैंने 5x बाय कर लिया और इससे मैं अपने टेलीस्कोप को मैक्सिमम तक पहुँचा सकता हूँ। और इससे कैसा दिखता है चांद, कैसा दिखता है प्लैनेट, ये मैं आपको जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ अलग से बाय करने के लिए बात आई है इस टेलीस्कोप के लिए तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि आप क्या क्या खरीद सकते हैं इस टेलीस्कोप के लिए, एक्सटर्नल एक्सेसरीज जिसे आपको ऐड करना ही चाहिए अपने टेलीस्कोप को अगर आप और बेहतर बना सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को भी। अब मैं बात करता हूँ क्या ये टेलीस्कोप एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए हो सकता है। तो ये सवाल ऐसा है कि अगर आप इसमें काफ़ी स्किल्ड पर्सन हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, आप इस टेलीस्कोप से एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे कोई लॉन्ग एक्सपोजर वाली फ़ोटो नहीं ले सकते क्योंकि ये इक्विटोरियल माउंट टेलीस्कोप नहीं है, इसलिए ये टारगेट को ट्रैक नहीं करता। लेकिन हाँ, आप इसे प्लैनेटरी इमेजिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, भले वो इतनी खास नहीं होंगी, पर अगर आप एक स्किल्ड पर्सन हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये टेलीस्कोप है, अगर आप ये करना चाहते हैं, तो मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस टेलीस्कोप से एस्ट्रो फोटोग्राफी करके दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द ही ये कैमरा खरीदने वाला हूं और एक DSLR खरीदने वाला हूं, ये वाला। तो देखते हैं अगर इन चीज़ों का सहारे से हम क्या बना पाएंगे, और ये आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं कंक्लूजन पर कि इस टेलीस्कोप को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सिचुएशन पे बेस्ड है, आपकी उम्र पे बेस्ड है और आपकी स्किल पे बेस्ड है। यदि आप एक बिगिनर हैं तो इसे बाय कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर एस्ट्रो फोटोग्राफर हैं तो आप इसे नहीं बाय कर सकते क्योंकि आपके किसी काम का नहीं आएगा ये। तो ये टेलीस्कोप आप किसके लिए खरीद सकते हैं, तो इसका आंसर यही है, अगर वो एक स्टूडेंट है और अगर आपके पास बजट इतना नहीं है, आप इस टेलीस्कोप बस चाहते हैं कि उसे कैसा दिखता है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। ये टेलीस्कोप आगे बढ़ नहीं पाएंगे इस टेलीस्कोप के साथ आप। तो एक और फेमस सवाल है इस टेलीस्कोप से, क्या इसे डीप स्काई ऑब्जर्वेशन की जाती है। तो मेरा आंसर है हाँ, आप इसे डीप स्काई ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वो मायने नहीं रखता कि आपका टेलीस्कोप कितना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बात ये मायने रखती है कि आपका टेलीस्कोप कौन से टाइप का है, क्या वो इक्विटोरियल है या किसी और। आप इस टेलीस्कोप से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 2 साल तक आराम से इस टेलीस्कोप को चला सकते हैं, और अगर आप बच्चे हैं तो आप इस खिलौने से 5 साल तक खेल सकते हैं आराम से। ये काफ़ी मज़ेदार गिफ्ट होगा बच्चों के लिए, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको टेलीस्कोप खरीदना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि फ़ोन से खेलने से अच्छा है बच्चे कुछ सीखे इससे। और अब बात करते हैं कि मैंने अपना एक नया टेलीस्कोप क्यों लिया, एस्ट्रोमास्टर EQ130। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही है क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ अमेचर लेवल का, और हम साइंटिस्ट हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस टेलीस्कोप को लिया है। और इसकी दूसरी वजह यही है कि वो एक इक्विटोरियल माउंट टेलीस्कोप है, और ऐसी बात नहीं है कि मैं इसके आगे रुक गया, अभी मेरा प्लान एक और नया टेलीस्कोप लेने का है, और उस टेलीस्कोप को मैं अलग अलग हिस्सों में बनाने वाला हूँ, और उसमें मैं माउंट ये वाला लूँगा और टेलीस्कोप ये वाला होगा ये, लेकिन ये अभी प्लान्ड नहीं है, और उसमें कैमरा ये हो सकता है, और अपने DSLR को भी कंबाइन करेंगे। तो अगर ये चैलेंज अच्छा खासा चलता है तो हम इस सेटअप को जल्द ही तैयार कर लेंगे, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सब को लेने के लिए, ताकि मैं आपको और भी कमाल की चीज़ें दिखा सकूँ इसके ज़रिए।
तो अब मैं बात करता हूँ इस टेलीस्कोप की टिप के बारे में कि अगर आपके पास ये टेलीस्कोप है या लेने वाले हैं तो आपको एक टिप जानना ज़रूरी होता है। तो आपको इन टिप को याद रखना होगा इस टेलीस्कोप को यूज़ करते वक्त और बाय करने के सोच रहे हैं तो भी। तो पहली बात, इस टेलीस्कोप का ट्राइपॉड स्टेबल नहीं है, और दूसरी बात, इस टेलीस्कोप का फाइंडर स्कोप को अलाइन करने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर अलाइन हो भी जाए उसके बाद उसे छूना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसके बाद वो मिस अलाइन आराम से हो जाएगा। और मेरी दूसरी टिप इस रॉड के बारे में है, इस रॉड को लॉक करने के बाद आपको टेलीस्कोप की ट्यूब को ज़रा भी फोर्स नहीं करना है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपकी रॉड को डैमेज हो सकता है। और चौथी टिप ये है, अगर आप टेलीस्कोप ले रहे हैं तो खासकर अगर वो एजेमथ माउंट हो तो उस टेलीस्कोप को आपको इस्तेमाल करने में थोड़ा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये मैनुअल ट्रैकिंग है तो काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि धरती रोटेट हो रही है और आपको बार बार टेलीस्कोप को मोशन करना होगा। आप उस चीज़, आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बार बार अपने फ्रेम से हट जाएगा, तो ये चीज़ आपका दिमाग ख़राब करने वाली हो सकती है थोड़ी। तो यही टिप थी फ़िलहाल के लिए, यही टिप है जो, तो ये हमारी टिप थी, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये इस वीडियो का एंड है।